हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज में क्लास इलेवेंथ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर वन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की केस स्टडी नंबर टू के स्टडी नंबर वन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई आपका जो पेपर होता है उसका फोर्टी टू फिफ्टी पेपर केस स्टडीज से ही भरा होता है इसलिए इट्स तो वेरी नेसेसरी टू तो प्रैक्टिस ऑल दीज केस स्टडीज आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी हंड्रेड फ्री स्टूडेंट्स हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम टू क्लास ऑन दिस चैनल दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड हमारा एक और चैनल है दैट इज द नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ फॉर डेली बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो कवर करते हैं एनसीआर टी एंड रिफ्रेश फुली कॉम्प्रिहेंसिव

केस स्टडी में आपको लेफ्ट साइड दिख रही है एक चेयर काइंड ऑफ थिंग है ना एक्यूप्रेशर चेयर लग रही है ये चलिए देखते हैं केस स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज सार्थक डिसाइडेड टू एंटर इनटू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री सो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई सार्थक की उसने सोचा कि वो क्या करेगा स्टूडेंट्स उसने सोचा कि वो एक बिजनेस चालू करेगा ठीक है और इस तरह का बिजनेस चालू करेगा कि दूसरों को भी नौकरी पे रखेगा ठीक है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्टार्टअप इन टू दिजनेसर चेयर तो उसने बोला ऐसी कुर्सियां होनी चाहिए जिसमें हो ठीक है वो बनाना चाहता है ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में भी जाना चाहता है आइडिया तो

तो ऐड चलवाई ठीक है उसके लिए पैसे दिए फिर उसके बाद उसने ये देखा कि थोड़ा सा वो घबराया हुआ रहता था हमेशा तो उसने फायर के अगेंस्ट थेफ्ट के अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज के, के अगेंस्ट सबके अगेंस्ट इंश्योरेंस लेके रखा था फिर उसके बाद पैसों की ज़रूरत थी एस से लोन लेके रखा था तो ये सब चीज़ें उसने फिगर आउट कर ली थी ठीक है नाउ इन विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री दिट सार्थक वेंचर आ, सार्थक वेंचर इनटू कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है ये एक्यूप्रेशर चेयर्स ठीक है जैसे कार्स होती हैं वहाँ पर भी असेंबलिंग का वर्क होता है ये भी वैसे ही यहाँ पर भी पार्ट्स जोड़ जोड़ के चीजें बनाई जाएंगी तो ये कौन सी इंडस्ट्री है सो सार्थक वेंचर इनटू असेंबलिंग इंडस्ट्री इन द इन दिस इंडस्ट्री टू और मोर कॉम्पोनेंट्स आर कम्बाइंड टू मेक टूगेदर अ न्यू प्रोडक्ट है ना जब भी दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे चेयर्स और एक्यूप्रेशर टेक्निक दोनों से मिलकर क्या बना एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है एक्यूप्रेशर चेयर्स जो कि कुछ ऐसा दिखता है ठीक है सो स्टूडेंट्स तो सार्थक ने कैसी इंडस्ट्री में हाथ डाला है डाट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री ये जो कि अच्छा स्टार्टअप आइडिया है सो डैट विल रियली वर्क नाउ इज सार्थक इनोवेटिव यस ही इज इनोवेटिव ऑब्वियसली सपोर्ट योर आंसर सो ये सार्थक इज इनोवेटिव एज ही इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन अनकॉमन प्रोडक्ट एक्ट्रेशर चेयर ये आपने सुना ही नहीं होगा तो ये अच्छी अच्छा प्रोडक्ट है नाउ ही डिसाइडेड टू सेल हिज प्रोडक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट में भी जाना चाहता है विच कैटेगरी ऑफ ट्रेड इज बींग रिफर्ड हियर कौन सी कैटेगरी यहाँ पर रेफर की जा रही है सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पर रेफर किया जा रहा है एंड हियर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड आर रिफर्ड ठीक है तो बेसिकली डोमेस्टिक सेल एज वेल एज एक्सपोर्ट है ना तो सब कुछ इंक्लूडेड है नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया अपना क्वेश्चन थ्री अब आते हैं क्वेश्चन फोर पर सार्थक द नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आइडेंटिफाइड बैंकिंग सर्विस उसने यूज करी जब उसने एस से लोन लिया फिर उसने इंश्योरेंस सर्विस यूज करी अपने कॉशियस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर लास्टली उसने क्या किया था देखिए लास्ट लाइन क्या थी केस स्टडी के स्टूडेंट्स लास्टली उसने Uh, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसने एडवरटाइजिंग सर्विस भी यूज़ करी तो ऑक्सीलरीज तो उसने बहुत सारी यूज़ करी है ऑक्सीलरीज का मतलब क्या होता है एड्स टू ट्रेड सो इंश्योरेंस बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग तीनों उसने यूज़ उस किया हुआ है नाउ ट्रेड uh, से जो जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यूजली टर्शरी सेक्टर की होती हैं एंड दिस हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो ठीक है सो दैट्स वाई ये अपना क्वेश्चन नंबर फोर हो गया कंप्लीट आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में स्टूडेंट्स अगर आपको आपको कोई भी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना, करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप इसको फॉलो करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप शेयर करोगे तो उनको ये बात जरूर बताना कि मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी हंड्रेड फ्री स्टूडेंट्स ये जो चैनल है जिसपे आप, आप लेक्चर देख रहे हैं दैट इज इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ एंड स्टूडेंट्स हमारा एक सेपरेट चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रींस हिंदी मीडियम चैनल जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ फॉर डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस जिससे कि आपकी को करिकुलर नॉलेज इन्हांस होगी ये कोर्सेस आप तब चेकआउट कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो एंड अगर आप डेली बेसिस पे 25-20 मिनट भी देंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स भी आप देख सकते हैं बट ये जो क्रैश कोर्स है वो एग्जाम के जस्ट पहले चालू हो होगा ताकि हम अच्छे से रिविजन कर सकें मैराथॉन्स भी आएंगी एंड स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं जिसकी लिंक